हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका सैनिक ITI यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें, बेल आइकन बटन को दबा लें, ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं इम्प्लायबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर ALTET, जो निम्मी ने PDF 418 का जारी किया था भारत स्किल वेबसाइट पर। उसको हमने हिंदी में तकरीबन बना दिया हूँ। 10 क्वेश्चन और उसमें बच रहा है, इसके बाद उसको बना देंगे। तो आप लोग जो है, परीक्षाएं चल रही हैं, बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर बढ़िया क्वेश्चन फंस रहा है। तो दोस्तों, पढ़िए, आप लोग पढ़ लीजिए। एग्जाम का जो लास्ट चरण चल रहा है, क्योंकि दोस्तों पढ़ने में ही आपकी जो भलाई है दोस्तों। और पढ़िए इसका PDF, इसका PDF पका लीजिए। कहाँ से मिलेगा? टेलीग्राम से। लिंक कहाँ मिलेगा? अबाउट में। अबाउट में जाएंगे, डिस्कशन में जाएंगे, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। वहाँ पर दोस्तों जाके इम्प्लायबिलिटी स्किल ITI सेकेंड ईयर ALTET और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस ITI सेकेंड ईयर ALTET सबका दोस्तों जो हम लोग हल कर रहे हैं ऐसे डाल दे रहे आपको, क्योंकि आप लोग समझे कैसे हल किया गया है, मतलब कि आपको आसानी हो। तो पक्का ही पक्का PDF लें दोस्तों। ठीक दोस्तों, एकदम फ्री ऑफ कास्ट है, कोई पैसा नहीं है PDF का। आप लोग डरते हैं? कुछ नहीं, आप जाइए टेलीग्राम पर, वहाँ पर उसको डाउनलोड कीजिए, पढ़िए। ठीक दोस्तों, चलते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है 398, व्यवसाय वित्त नहीं मिलने के कुछ स्रोत हैं। क्या बोल रहा है? व्यवसाय वित्त नहीं मिलने के कुछ स्रोत हैं क्या है? आपका अपना पैसा, बी बैंक ऋण, सी सरकारी ऋण। दोस्तों, व्यवसाय में जो है वित्त नहीं मिलने के कुछ स्रोत कौन से हैं? तो इसमें कोई नहीं है। क्या है आंसर? डी सी होगा, इसमें से कोई भी नहीं। तो आंसर डी से आंसर। आगे बढ़ते हैं। 399, ए सुपर टीम इज, क्या बोल रहा है? एक सुपर टीम है। कौन सी सुपर टीम है? किसको हम सुपर टीम कहेंगे और किसको कहते हैं सुपर टीम? तो लिखा है ए सुपर टीम इज, एक सुपर टीम है। एक ए है सुपर हीरो का एक समूह, ये भी गलत। सी उद्यमियों का समूह जिनके पास समान है, ये भी गलत हो सकता है, गलत है। डी क्या है? सभी स्थानीय उद्यमियों के साथ समान व्यवसायिक हित या ग्राहक व्यवसाय, ये भी गलत है। क्या आंसर राइट होगा? बी होगा, आपके व्यवसाय में आपके कर्मचारी, जो मतलब व्यवसाय आप कर रहे हैं उसके जो कर्मचारी हैं वो आपके सुपर टीम है। क्यों? कि व्यवसाय बढ़िया चलेगा तो मतलब कर्मचारी बढ़िया काम करेंगे, मतलब जो आपकी टीम है, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं आपके कोई व्यवसाय में, चाहे कंपनी है, चाहे कोई व्यवसाय आपका है, मान लीजिए कोई धंधा आपकी है, कोई आप धंधा कर रहे हैं जो उसमें कर्मचारी आपके हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, तो आपकी सुपर टीम वही है। तो क्या आंसर होगा? बी होगा, आपके व्यवसाय में आपके कर्मचारी जो है आपकी सुपर टीम है दोस्तों। तो आंसर भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 400, प्रभावी ढंग से नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण नियम है, क्या है? क्या बोल रहा है? प्रभावी ढंग से नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण नियम है। कौन सा नियम है? ए उन्हीं लोगों से बात करें, गलत। सी अपने उत्पाद को बेचने पर ध्यान दें, ये भी गलत। डी अपने प्रतिस्पर्धियों की पहचान करें, ये भी गलत। क्या होगा आंसर? बी होगा। क्या होगा? बी होगा, अपने संपर्कों के संपर्क में रहें, मतलब जहाँ पर संपर्क है उसके संपर्क में रहें। तो आंसर बी होगा सही दोस्तों। क्या होगा? बी होगा, अपने संपर्कों के संपर्क में रहें। आगे बढ़ते हैं। 401, जब आप किसी बैंक में पूछताछ करते हैं तो यह डैश स्थिति होती है, क्या होती है? जब आप किसी बैंक में पूछताछ करते हैं तो स्थिति होती है, कैसी स्थिति होती है आपकी? एक औपचारिक, गलत, मतलब दिया है एन इनफॉर्मल, फिर दिया है मैत्रीपूर्ण,
ए फ्रेंडली, ये भी गलत। डी दिया है एक कैजुअल, एक आकस्मी, ये भी गलत। क्या आंसर होगा? बी होगा। ए फॉर्मल, मतलब कि आपकी स्थिति एक औपचारिक होगी। कौन सी होगी? औपचारिक। आप किसी बैंक में पूछताछ कर रहे हैं तो आपकी स्थिति क्या होगी? ए फॉर्मल होगी, एक औपचारिक स्थिति। यहाँ बदलेंगे ए फॉर्मल। ठीक दोस्तों, दोस्तों मैं आपको एक अपडेट देने जा रहा हूँ, उसमें ये है कि जो बच्चे 2018 के थे जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ था, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। क्या हुआ था? कैंसिल हो गया था। सुनने में आया, कुछ पता लगा है, मतलब अनुमान लोग कहीं बात किए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में बात कर लिए हैं, को बताया था कि उनका परीक्षा जो है फरवरी में जो है हो सकती है। मैं गारंटी दूंगा नहीं आपको होगी, हो सकती है। क्यों? कुछ बता रहे हैं लोग कि डीसी का ये प्लानिंग है कि 31 जो जनवरी तक एग्ज़ाम ख़त्म हो जा रहे हैं 19 सेकेंड ईयर के, तो फर्स्ट एग्ज़ाम होने रहा है। जो बच्चे 18 का एग्ज़ाम छूट गया था, कैंसिल हो गया था, मतलब छूटा नहीं, जो मतलब कि एडमिट कार्ड आ गया था सर्वर की वजह से कैंसिल हो गया था किसी कारण बस, तो उनका एग्ज़ाम जो है गवर्नमेंट ने फरवरी के फर्स्ट वीक के कराने के मूड में है, या फर्स्ट में करा ले या सेकेंड वीक में। और दोस्तों जो आपका जैसे जो बच्चे प्रमोट हो गए हैं, इनका रह गया रिजल्ट के बारे में, तो इनका जो कापियाँ सुनने में आगे जांच रही हैं, 31 तक जांच जाएंगी। इनका जो है रिजल्ट आने के बाद ही बच्चे जो है प्रमोट, इनका रिजल्ट जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल जो लोग पास होंगे उनका जो है रिजल्ट फरवरी के सेकेंड वीक में आ सकता है दोस्तों, क्योंकि कोरोना चल रहा है कि गारंटी नहीं है कब क्या हो जाएगा। तो मैं आपको मेरा अनुमान एक है, क्या है मेरा अनुमान है, जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं तो अपना वो पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि उनका जो सेकेंड ईयर हो गया है एग्ज़ाम अगस्त में आएगा, टाइम मिलेगा नहीं, स्कूल बंद चल रहे हैं कोरोना की वजह से, पता नहीं कब खुलेगा। तो आप लोग जो है अभी से पढ़ना शुरू करें, तो जो बच्चे फर्स्ट ईयर में है वो अपना फटाफट अपना जो पढ़ाई स्टार्ट करें दोस्तों, ठीक है, टाइम कम रह गया है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 नंबर 402। नेटवर्किंग है, क्या बोल रहा है? नेटवर्किंग है। क्या है नेटवर्किंग? नए बनाना दुश्मन, ए गलत। अपनी प्रमस्ताधाम की पहचान, ये भी गलत। फिर बोल रहा है एक सामाजिक नेटवर्क में शामिल होना, ये भी गलत। अन्य व्यवसाय और ग्राहकों के साथ संबंध बनाना, क्या आंसर होगा? सी होगा। नेटवर्किंग क्या है? तो नेटवर्किंग अन्य व्यवसायों और ग्राहकों के साथ संबंध बनाना दोस्तों, तो आंसर क्या होगा? सी होगा, राइट। क्या होगा? सी होगा। आगे बढ़ते हैं 403। एक टैगलाइन है, क्या बोल रहा है? ए टैगलाइन इज, एक टैगलाइन है। क्या है टैगलाइन? क्या बोल रहा है? एक टैगलाइन है। ए एक प्लास्टिक टैग जिसे आप अपने उत्पाद से जोड़ते हैं, गलत। बी एक मेम आपके व्यवसाय का मजाक उड़ा रही है, ये भी गलत। डी एक मजाक, ये भी गलत। क्या आंसर होगा? सी होगा। आपके व्यवसाय का विवरण क्या है? एक टैगलाइन क्या है? आपके व्यवसाय का विवरण है दोस्तों, आंसर राइट सी होगा। करते हैं 404 नंबर। यदि आप लोगों को अपने और अपने व्यवसाय के बारे में प्रासंगिक जानकारी आसान तरीके से देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? क्या बोलना है? यदि आप लोगों को अपने और अपने व्यवसाय के बारे में प्रासंगिक जानकारी आसान तरीके से देना चाहते तो क्या करेंगे आप? ए इसमें से एक कागज़ के टुकड़े पर लिखें और उन्हें दें, गलत। मौखिक रूप से उन्हें बताएं और उनसे पूछें, ये भी गलत। उन्हें गूगल पर खोजने के लिए कहें, ये भी गलत। क्या होगा आंसर? डी होगा सही। क्या होगा? डी होगा। उन्हें अपना व्यवसाय कार्ड दें या अपना जॉब कार्ड दें, क्या? उन्हें अपना व्यवसाय कार्ड दें दोस्तों, तो आंसर डी होगा सही। आगे बढ़ते हैं 405। जब आप फीडबैक प्रदान करते हैं श्रोता को बताएं कि आप प्रदान कर रहे हैं, क्या बोला है? जब आप अपना फीडबैक प्रदान कर रहे हैं तो बताएं कि आप प्रदान क्या कर रहे हैं? नकारात्मक, ए नकारात्मक प्रतिपुष्टि, गलत।
बी टिप्पणी अभी गलत, डी सुझाव अभी गलत। आंसर क्या होगा? सी होगा राइट आंसर। क्या होगा? सी होगा, सुधार के लिए रचनात्मक प्रतिक्रिया। आप क्या प्रदान कर रहे हैं? सुधार के लिए रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान कर रहे हैं दोस्तों। तो आंसर राइट सी होगा। उदाहरण बढ़ते हैं 406 आत्म प्रतिबिंब डैश की प्रतिक्रिया। क्या बोला है? आत्म प्रतिबिंब डैश की प्रक्रिया है, मतलब किसी प्रक्रिया बोल रहा है। ए टिप्पणी गलत, सी प्रतिक्रिया है भी गलत, डी आगे देख रहे हैं भी गलत। तो क्या होगा? अंदर की ओर देखना, आत्म प्रतिबिंब किसी प्रक्रिया है? अंदर की ओर देखना। क्या होगा आंसर? राइट बी होगा, आत्म प्रतिबिंब अंदर की ओर देखना की प्रक्रिया है। अंदर की ओर क्या होगा? अंदर की ओर देखना। आगे बढ़ते हैं 407। जब हम सोचने और अपने विचारों भावनाओं निर्णयों और व्यवहार पर ध्यान देने के लिए समय निकालते हैं तो इसे कहा जाता है, क्या बोलना है? ध्यान, जब हम अपने सोचने अपने विचारों भावनाओं निर्णयों और व्यवहार पर ध्यान देने के लिए समय निकालते हैं तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ए रचनात्मक आलोचना गलत, बी सकारात्मक ये भी गलत, सी नकारात्मक ये भी गलत। क्या होगा? डी से होगा आंसर। क्या होगा? डी होगा, आत्म प्रतिबिंब। क्या होगा? आत्मबिंब कहा जाता है उसे, क्या कहता है? आत्म प्रतिबिंब कहा जाता है उसे। तो आंसर डी से होगा। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 408 नंबर। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट विनती हमारी है कि आप लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं पढ़ रहे हैं दोस्तों, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हमारे चैनल पर पूरी वीडियो मिल रही है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वर्कशॉप साइंस थ्योरी फिटर इलेक्ट्रिशियन। दोस्तों तब तो आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि जो बच्चे प्रमोट हो गए हैं उनकी परीक्षा जो है सेकेंड ईयर अगस्त में होने के जो है प्रावधान है डीजीटी का। दोस्तों टाइम नहीं लग गया है, क्यों? कि स्कूल बंद चल रहे हैं, कॉलेज बंद चल रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम चल रही है, आपकी पढ़ाई चल रही है, तो लोग पढ़े दोस्तों, ठीक है? तो लोग पढ़ लेंगे, हमने पढ़ा दिया है, इसलिए लोग पास जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग जल्दी ही आप लोग को लाने वाले हैं लाइव क्लास थ्योरी की और उसकी वर्कशॉप की क्लास की। तो आप लोग एग्जाम खत्म होते ही हम लोग लाएंगे फिर दोस्तों। तो हम लोग चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, उन चीज़ों की पहचान करना जो हमारे नियंत्रण में है और जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमें होने मत कर, क्या बोला है? उन चीज़ों की पहचान करना जो हमारे नियंत्रण में है और नियंत्रण में नहीं है, हमें होने मत करती हैं। क्या मत करती हैं? शांतिपूर्ण पुनस गलत, निराश सी ये भी गलत, डी कोई नहीं गलत। तो आंसर ए होगा दोस्तों। क्या होगा? ए होगा राइट आंसर। हमें अधिक आत्म जागरूक होने में मदद करती हैं, क्या करती हैं? उन चीज़ें पहचान करना जो हमें नियंत्रण में है नियंत्रण में नहीं है, तो हमें मदद करती हैं। किसमें? अधिक आत्म जागरूक होने में मदद करती हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।